नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। सऊदी अरबिया की बहुत कम फ़्लाइटें इंडिया आ रही हैं, आप सबको पता है। उसमें भी सबसे कम फ़्लाइटें गल्फ कंट्रीज़ की अगर बात करें तो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, इधर की तरफ फ़्लाइटें कम आ रही हैं। जी हाँ साथियों, एक पहले अपडेट सऊदी रियाद इंडियन एम्बेसी की तरफ से आया था, बहुत कम फ़्लाइटें दी थी। 13 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को फिर एक अपडेट आया है, लिस्ट जारी की गई है कि सऊदी अरबिया के इंडिया आने वाले अभी भी लोग बहुत हैं, बैठे हैं, जो वेटिंग में चल रहे हैं। खास तौर से मैं बात करूं तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, इन स्टेट की अगर हम बात करें तो, क्योंकि केरला मिशन है वो तो चल ही रहा है, सबसे ज़्यादा फ़्लाइटें उधर जा रही हैं, तो उन लोगों को दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर आने वाले लोगों को दिक्कत है। तो शेड्यूल मेरे पास आया है, बता दूँ मैं, 14 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में लगभग 30 फ्लाइटों का शेड्यूल है। जी हाँ साथी, एवरेज अगर देखा जाए तो 2 फ्लाइटें पर डे, ठीक है। उसमें से लिस्ट आपको स्क्रीन के माध्यम से शेयर कर दूँगा, आप देख सकते हैं। इंडियन एयरलाइन का जो टिकट बुकिंग सेंटर है वो एड्रेस भी इसमें 3 एड्रेस दिए गए हैं, उसमें भी आप जाके वहाँ पे टिकट बुक करवा सकते हैं। रियाद, अल खोबर और जद्दा, जी हाँ साथियों, रियाद, अल खोबर और जद्दा में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों के यहाँ पे हैं टिकट बुकिंग एजेंसी, तो यहाँ से आप बुक करवा के इंडिया आ सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीन पर देखते रहिए भाई, कौन सी कहाँ की फ़्लाइट कौन सी डेट के लिए है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, 14 अक्टूबर को जद्दा से दिल्ली और लखनऊ के लिए फ़्लाइट है जाती हो। जी हाँ साथियों, एयर इंडिया फ़्लाइट रहेगी। 14 अक्टूबर को फिर दमाम से त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट है एयर एशिया एक्सप्रेस। 15 अक्टूबर को फिर फ़्लाइट है जद्दा से हैदराबाद और मुंबई के लिए एयर इंडिया। 15 अक्टूबर को फिर फ़्लाइट है दमाम से चेन्नई के लिए एयर एक्सप्रेस। 15 अक्टूबर को फिर रियाद से फ़्लाइट है कोची के लिए एयर एक्सप्रेस। 16 अक्टूबर को दमाम से फिर फ़्लाइट है त्रिवेंद्रम कन्नूर के लिए एयर एक्सप्रेस की फ़्लाइट है। आगे हम बात करें, 16 अक्टूबर को रियाद से कोचिकोड़े के लिए फ़्लाइट है इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है। 17 अक्टूबर को फिर फ़्लाइट है दमाम से दिल्ली के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट है। 17 अक्टूबर को फिर फ़्लाइट है रियाद से हैदराबाद के लिए एयर एक्सप्रेस की फ़्लाइट है ये भी। 17 अक्टूबर को फिर दमाम से हैदराबाद के लिए फ़्लाइट है एयर एक्सप्रेस के लिए। जी हाँ साथियों, 18 अक्टूबर को फिर दमाम से कोची के लिए फ़्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस ही है। आगे 18 अक्टूबर को फिर दमाम से कोचिकोड़े के लिए फ़्लाइट है। 18 अक्टूबर को फिर दमाम से कोचिकोड़े और बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ साथियों, 19 अक्टूबर को बात करें, जद्दा से बम्बई कोचिकोड़े के लिए फ़्लाइट है। 19 अक्टूबर फिर दमाम से तिरुचि के लिए फ़्लाइट है। 21 अक्टूबर को दमाम से त्रिवेंद्रम बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है। 21 अक्टूबर जद्दा से दिल्ली और लखनऊ के लिए फ़्लाइट है। दोनों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है, 21 अक्टूबर फिर दमाम से त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट है। 22 अक्टूबर जद्दा से हैदराबाद बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है। 22 अक्टूबर दमाम से चेन्नई फ़्लाइट है। 22 अक्टूबर रियाद से कोची के लिए फ़्लाइट है। 23 अक्टूबर दमाम से कन्नूर के लिए फ़्लाइट है। 23 अक्टूबर फिर रियाद से कोचिकोड़े के लिए फ़्लाइट है। 24 दमाम से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 24 दमाम से फिर हैदराबाद के लिए फ़्लाइट है। 24 फिर दमाम से कोचिकोड़े के लिए फ़्लाइट है। 24 फिर रियाद से बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है। आगे हम बात करें साथियों, 24 अक्टूबर, जी हाँ साथियों, 22 अक्टूबर को रियाद से बॉम्बे के लिए फ़्लाइट रहेगी। 25 अक्टूबर को फिर बता दूं, रियाद से अमृतसर दिल्ली के लिए फ़्लाइट रहेगी। 25 अक्टूबर फिर दमाम से कोचिकोड़े बॉम्बे के लिए फ़्लाइट रहेगी। 27 अक्टूबर को रियाद से लखनऊ दिल्ली के लिए फ़्लाइट रहेगी। जी हाँ, 28 अक्टूबर को फिर रियाद से श्रीनगर दिल्ली के लिए फ़्लाइट रहेगी। 28 अक्टूबर फिर दमाम से त्रिवेंद्रम दिल्ली के लिए फ़्लाइट रहेगी। ये साथियों, मैंने शेड्यूल आपको बताया है कि भाई सऊदी अरबिया से इंडिया के लिए फ़्लाइट शेड्यूल है। आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, यूपी, बिहार, ये सब सिर्फ दिल्ली आ सकते हैं। और दिल्ली की फ़्लाइट भैया कितनी है, शायद 2 या 3 फ़्लाइट हैं, इसी में आपको एडजस्ट करना होगा। बहुत कम फ़्लाइटें हैं, बाकी लगभग फ़्लाइटें उधर केरला की तरफ जा रही हैं। एड्रेस इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया का। जी हाँ, रियाद में एड्रेस है अल खोफर और जद्दा, वहाँ से जाके आप इनकी जो एजेंसी हैं वहाँ से टिकट बुक करके डायरेक्ट आप आ सकते हैं। लगभग मेरे हिसाब से 1400-1500 के करीब टिकट आएगी भैया, इतना टिकट का पैसा लग जाएगा आपको, तो 30,000 आप इंडिया का मान सकते हैं। COVID-19 सर्टिफिकेट आप लेते हैं तो उसको ऑनलाइन पहले करवा लीजिए भाई राजस्थान वाले, वरना वो एयरपोर्ट वाले नाटक करते हैं फिर। तो थोड़ा सा बस ये जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।